गोपन डॉक्टर से लगा पाए गोपन के दिन दुष्णा पाए लगे Now this is a case of Alzheimer's disease and the interesting thing about this case is its early onset. What do you know about Alzheimer's disease? साहिबा मैं तकलीफ में हूँ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आखिर मुझसे मिलना क्यों चाहता है मैं आप पे क्यों भरोसा करूँ आप कह रहे हो कि आपको यहाँ किसी मेडिकल रिसर्च के लिए रखा गया है दिस इज नॉनसेंस डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम ग्लियोब्लास्टोमा डॉक्टर ईसा ने मुझे मेंटल इलनेस के लिए यहाँ पे एडमिट किया पर ऐसा कुछ नहीं है वो मुझ पे सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं कैसी रिसर्च वांट्स टू फाइंड क्योर फॉर ग्लियोब्लास्टोमा आई विल टॉक टू डॉक्टर ईसा ये बात डॉक्टर ईसा की नहीं है मैं इस हॉस्पिटल की है ये एक सिस्टम बन चुका है एक डॉक्टर थे मेरी हेल्प करना चाहते थे पर वो आज खुद हेल्प के लिए भीख मांग रहे हैं दे डोंट इवन स्पेयर देयर ओन काइंड मुझे क्यों कह रहे हो ये सब क्योंकि मुझे पता है चाहते क्या हो तुम क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोला था आपको कैसे पता क्योंकि आपको कभी नहीं देखा मैंने चैम्बर्स No, the restricted area in the other building. वही होते हैं सारे experiments. How can I help? What are you asking for? I just want an end to my life. This is ridiculous. Do everything, but don't turn into a mad doctor. What do you mean? पता है एक doctor भी यहाँ admit है, and I heard he was a genius. कौन बेड नंबर 120 शायद तुम जानती हो एक बात बोलो व्हाट इफ समवन आस्क्स यू टू किल हिम क्या मतलब मतलब कोई टर्मिनल स्टेज में है बचने का कोई चांस नहीं है बेचारा फिजिकली और मेंटली सफर कर रहा है ऐसे किसी इंसान को असिस्टेड सुसाइड यूथनेशिया वी कैन कॉल इट आह व्हाट अ फैंसी नेम फॉर अ जेम लेट अस अस्यूम अ पेशेंट जो टेक्नोलॉजी की वजह से जिंदा हो तो ऐसे इंसान को तो हक है टू स्टॉप एनी मेडिकल इंटरवेंशन सच एज अ रेस्पिरेटर They don't need euthanasia or physician assisted suicide for the matter. और कैसी तबीयत है आपकी ठीक है डॉक्टर साहब क्या सोचा आपने नहीं मैं ये नहीं कर सकती और कोई रास्ता जरूर होगा प्लीज डोंट गिव अप
यही एक रास्ता है, मैंने सोचा इसके बारे में। इट विल बी मर्डर ऑन माय पार्ट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप मेरी जगह होते तो इट वुड हैव बीन अ मर्सी टू यू। इजंट इट योर सोल ड्यूटी टू रिलीव द पेशेंट ऑफ हिज सफरिंग्स? अगर किसी को इस बारे में पता, कैसे? ये सिर्फ आपको और मुझे पता होगा। ठीक है, मैं अपने माँ बाप पे एक बोझ बन चुका हूँ। जिस उम्र में मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उनको, अब मैं उनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका हूँ। ओनली यू कैन हेल्प मी, प्लीज किल मी। क्या ये एक मर्डर होगा? नहीं, वो बेचारा तो तकलीफ में है। तकलीफ ही जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तभी तो कोई ऐसा फैसला ले सकता है। आई मस्ट लीव हिम ऑफ हिज सफरिंग्स। सोने से पहले ही ले लेना, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तरीका, मैं तुम्हें मेंटल पेशेंट बना के हॉस्पिटल में एडमिट करूं तो फिर तुम करीब रहोगे तो ड्रग बनाने में जल्दी हो सकती है। यस विल इट टेक, मेरा घर पे रहना ही ठीक होगा। ट्रस्ट मी प्लीज। व्हाट इफ समडे यू डेवलप द ड्रग एंड आई एम नॉट देयर? सॉरी इस बात के लिए कि मैंने आपसे झूठ कहा। डॉक्टर ईसा मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो मेरी तकलीफ का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि वो कामयाब हों। अगरचि मेरी कहानी झूठी थी लेकिन मेरी तकलीफ नहीं, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था।